बच्चों रुक जाओ तुम यहीं। अरे बच्चों कान पात मनाफी चीज है कि अगर आप लोग व्हाट्सएप वगैरह में लगे रहेंगे तो दिक्कत आएंगे। दोनों तहसील थाना वही लगी रही है। नहीं, ये तो डीएम साहब बताएंगे कि क्या मसला था, डीएम साहब क्या बताना चाहते हैं। पर चूँकि आपने अखबारात के ज़रिए से भी पता चला होगा कि लाइब्रेरी बच्चों के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि पुरानी लाइब्रेरी बहुत छोटी हो गई है, उसमें किताबों के रखने की जगह नहीं, बड़ी लाइब्रेरी हम बना रहे हैं। जो लाइब्रेरी है, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका हम एक अप्रूवल लेते हैं अथॉरिटी से। उस अथॉरिटी से आपने परमिशन ली है? नहीं ली है। कोई नक्शा वगैरह पास कराया? नहीं कराया, ऐसा नहीं कराया, नहीं कराया। हमारे इल्म में, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे इल्म में ये बात थी कि चूँकि हम अपने कैंपस के अंदर यानी बाउंड्री के अंदर कोई भी निर्माण करते हैं और उसमें सड़क भी हम बना रहे हैं, नाला भी हम बना रहे हैं, सफाई भी हमारे कर्मचारी कर रहे हैं और खंभे वंबे बिजली के भी हम ही लगा रहे हैं। हमें यह पता चला कि भाई जब अपने बाउंड्री के अंदर आप कोई निर्माण कर रहे हैं तो उसे किसी नक्शा वक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ये पता लगा है कि जो भी हमारे जो भी देश का एक लॉ है, किसी कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कुछ भी करता है, उसकी परमिशन लेता है, उसका नक्शा पास कराता है, तो आप लोग तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, ये आपको जानकारी होगी? नहीं नहीं, मैं तो जो बता रहा हूँ आपको कि हमारे इल्म में तो ये बात है कि भाई बाउंड्री के अंदर अगर बनाई जाती है तो उसे कोई एनओसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब पता चला कि एसडीएम साहब की तहरीर वगैरह थे कि भाई उसके लिए एनओसी वगैरह आपने लिया है या नहीं लिया, तो हमने बता दिया कि हम तो आप में क्या देखते हैं, किस पद पे हैं? मैं उपकुलपति हूँ। देखिए, एक आरोप लगता रहा है कि देवबंद के दारुल उलूम मदरसे में जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है, लाइब्रेरी जिसका बताया जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से कि लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक हेलीपैड का भी निर्माण किया जा रहा है। तो उस आरोप को देखने के लिए एसडीएम देवबंद की तरफ से एक नोटिस यहाँ पर दी गई थी, जिसका जवाब ये दिया गया कि यहाँ पर कोई हेलीपैड का निर्माण नहीं किया गया है और ना ही किसी ऐसी चीज़ का स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है जो आपत्तिजनक है। आज उसके इंस्पेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट टीम का एसएसपी और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के साथ हम लोगों को यहाँ आना हुआ है और उसी चीज़ का इंस्पेक्शन हो रहा है। तो अभी हम वही कर रहे हैं, फिलहाल देख रहे हैं। फिलहाल इंस्पेक्शन तो अभी देखा है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी इसकी टेक्निकल रिपोर्ट देंगे। और एक चीज़ तो बड़ी प्राइमा फेसी क्लियर है, दैट द परमिशन हैज़ नॉट बीन ऑब्टेंड। तो उस बारे में हम देखेंगे कि बिना परमिशन के, चूँकि स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हैं पीछे स्ट्रक्चर बना है, और परमिशन नहीं ली गई है तो उसके क्या वो किए जा सकते हैं, ये एक देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मदरसे की तरफ से बड़ा कोऑपरेशन है और इन्होंने सारी चीज़ें दिखाई हैं और इनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने किसी भी हेलीपैड का निर्माण नहीं किया है। फ्लाईओवर से ये दिखाई दे रहा है, उसको लेकर बताया जा रहा था कि दुर्घटना का होने का नहीं, फ्लाईओवर से दिखाई, चूँकि बड़ा स्ट्रक्चर है तो फ्लाईओवर से दिखाई ही पड़ेगा, जबकि फ्लाईओवर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। परमिशन नहीं ली गई है ये भी क्लियर है, क्योंकि अथॉरिटीज़ खुद भी कह रही हैं कि परमिशन नहीं लिया गया, इसलिए एक नियम के तो भंग हो रहे हैं, लेकिन हेलीपैड नहीं बनाया गया है ऐसा बताया गया है इनकी तरफ से। अब टेक्निकल रिपोर्ट का आप इंतजार करें, फिर हम बात देखेंगे। सर, आप संतुष्ट हैं, ये जांच आगे जारी रहेगी? बिल्कुल, अगर टेक्निकल रिपोर्ट गड़बड़ है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर टेक्निकल रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्लियर आती है तो उसके रास्ते हैं, रास्ता यहाँ तक कहता है कि अगर नियम के तहत परमिशन नहीं ली गई है तो फर्दर इसमें कार्रवाई की जा सकती है, नहीं तो कंपाउंडिंग की जा सकती है। अब देखते हैं उसके आगे क्या कहता है। फिलहाल तो इंस्पेक्शन चल रहा है, आपने बीच में रोक लिया इसलिए हम यहाँ रुके हैं, अभी तो हमको देखना।